ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां बदलाव वन में रहने वाली एक महिला का शव आज सुबह आसाना जंगल में जली अवस्था में मिला, जिसके बाद मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली टीम भी मौके पर पहुंची। मामले के बारे में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सितार ने बताया कि अनुपमा चौक में रहने वाली श्रीमती कविता नेताम, पति कृष्णा नेताम, उम्र 21 वर्ष, जो एक वर्ष पहले गायत्री पेट्रोल पंप में काम करती थी, उसके बाद अभी NMDC चौक के अग्रवाल पेट्रोल पंप में काम कर रही थी। 3 वर्ष पहले उसने लव मैरिज की थी, एक बेटा भी है। 8 अप्रैल की शाम 4 बजे रवाना हुई, उसके बाद परिवारजनों ने 9 अप्रैल को महिला की गुमशुदी की रिपोर्ट को दर्ज कराया। 12 अप्रैल को कुछ ग्रामीणों ने जंगल में छत विक्षत शव जली अवस्था में देखा गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया देखने में इसे जलाने की बात सामने आई है। शव को PM के लिए भेज दिया गया है। PM के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए राधा ताम्रकार की रिपोर्ट। कल जो है सूचना मिली है कि आसना डोडरेपाल के मध्य जंगल में जो है एक अधजली लाश मिली थी करके, और मामले पर जो है मौका पर जाकर जो है घटनास्थल देखा गया, और इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो है एक गुम इंसान कायम किया गया था। थाना कोतवाली में बकावन क्षेत्र की रहने वाली कोई कविता नेताम नामक युवती जो है उसका शव होना शिनाख्त किया गया है, और इस संबंध में गुम इंसान दर्ज किया गया था। और रिपोर्ट यह था कि जो है उक्त जो महिला है सुभाष पेट्रोल पंप कुम्हारपरा में जो है काम करती थी, और उसके बाद जो है 8 अप्रैल को जो है यह महिला जो है काम करने के लिए सुभाष पेट्रोल पंप आई थी, और इसके पश्चात जो है यहां से बकावन के लिए रवाना हुई थी, और शाम रात तक जो है अपने घर बकावन में नहीं पहुंची थी। तो जो महिला हैं उनके पिता अतप नेताम की ओर से जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, और इसके पश्चात जो है लगातार जो गुम महिला है उसकी पता तलाश किया जा रहा था, और उसके जो मोबाइल नंबर जो है उसके पश्चात से बंद आ रहा था, और इसमें जो है उसके परिजनों ने जो है यह डेथ बॉडी जो है कविता नेताम का होना बताया गया है। और अभी जो है प्रथम दृष्टया जो है पंजनामा के पश्चात जो है डेथ बॉडी जो आगे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज ढिमरापाल रवाना कर दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाई है, तो मृत्यु के का स्पष्ट खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस जो है इस मामले को जो है अपराध की दृष्टि से जो है इसकी जाँच कर रही है, विवेचना कर रही है, और जैसे ही जो है आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे जो है यदि अपराध का घटित होना पाया जाता है तो इस पर जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आगे कार्यवाही की जाएगी, और कुल मिलाकर जो है यह मामला जो है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो है आधारित है।